हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर्स आर्ट एंड क्राफ्ट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ओम बनाना सिखाऊंगी विद ग्लिटर वॉल आर्ट। और आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये आर्ट वर्क बनने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर चाहिए। न्यूज़पेपर आपको इसलिए क्योंकि अगर आप कलर वगैरह कुछ करते हैं तो उससे टेबल गंदी नहीं होगी। और एक बाउल में थोड़ा सा पानी चाहिए, पेंसिल, स्केल और एक फोम चाहिए, पेंट ब्रश चाहिए, डार्क ब्लू पोस्टर कलर एंड गोल्डन एक्रेलिक कलर चाहिए, और आपको गोल्डन कलर के स्पार्कल्स चाहिए। आपको एक वाइट शीट चाहिए, ये मेरी A3 साइज़ की शीट है। आप कोई सी भी साइज़ की शीट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इस शीट को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो आपको 11 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके दोनों तरफ से स्केल से लाइन खींचनी होगी इस तरह, जिससे कि जो ऊपर वाला छोटा पोर्शन है उसमें गोल्डन कलर करेंगे हम, और नीचे बड़े वाले पोर्शन में हम ब्लू कलर करेंगे। ब्लू कलर करने के लिए हमें ज़्यादा थिक कलर नहीं चाहिए, हमें थिन चाहिए। तो थिन बनाने के लिए बाउल में जो आपको मैंने पानी लेने को कहा था उसमें आपको ब्लू कलर मिलाना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको पेंट ब्रश से आपको इस तरह आउटलाइन करनी है। तो ब्रश से आउटलाइन करने के बाद आपको फोम को डिप करना है और उसको थोड़ा निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद स्टार्ट करना है आपको कलर करना इस तरह। देखिए कितनी जल्दी और फास्ट इजीली कलर हो रहा है। इसी तरह आपको पूरे में डार्क ब्लू कलर करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पूरे में डार्क ब्लू कलर कर दिया है, मतलब एक लेयर मैंने पूरी ब्लू की कर दी है। अब इसे आपको अच्छे से सुखाना है। जब पूरा अच्छे से सूख जाए, सूखने के बाद आपको फिर से उस फोम को डिप करना है और फिर टैप करना है शीट पे। जिस जगह आपको करना हो टैप, आप उधर उसको फोम को टैप करें। जितना आपको टैप करना है टैप करें, जितना आप टैप करेंगे उतना शेड आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह टैप कर रही हूँ और शेड भी आता जा रहा है। या आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे डार्क ब्लू कलर में शेड आ चुका है। उसके बाद आपको ऊपर गोल्डन कलर करना है। गोल्डन में शेड नहीं देना है, सिंपली गोल्डन कलर करना है प्लेन। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर भी गोल्डन कलर कर दिया है। अब बारी आती है ग्लिटर्स की। ग्लिटर डालने से पहले ग्लिटर आपको किस तरह डालना है, ग्लिटर डालने के लिए आपको पहले जिगजैग डिज़ाइन बनाना होगा। तो जिगजैग डिज़ाइन बनाने के लिए आपको जो दोनों पोर्शन के बीच की जो लाइन है उस पर आपको गोल्डन कलर हल्का सा ब्रश से सीधा सा खींचना है। खींचने के बाद आपको इस तरह ब्रश के थ्रू जिगजैग लाइन बनानी है। जहाँ पर आपको मन करे आप जिगजैग बना दें, चाहे छोटा बने लाइन चाहे बड़ी बने। फिर एंड में आप उसे बैलेंस कर सकते हैं कि कौन सी लाइन आपको बड़ी करनी है, कौन सी आपको छोटी करनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह अपनी जिगजैग लाइन करी है। इसी तरह आप भी अपनी जिगजैग लाइन सेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको ग्लू लगाना है उसी लाइन पे। ग्लू लगाने के बाद जहाँ जहाँ जिगजैग लाइन आपने करी थी उस जगह आपको ग्लू को स्प्रेड करना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह उसी लाइन पर स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद आपको ग्लिटर्स इसके ऊपर डालने हैं। ग्लिटर डालने के बाद आपको अपने फिंगर्स के थ्रू ग्लिटर को टैप करना है। टैप इसलिए करना है कि ग्लिटर जो है ग्लू के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा, झड़ेगा नहीं। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ग्लिटर नहीं लगा है, आप वापस से वहाँ पर ग्लू लगा सकते हैं और वहाँ पर ग्लिटर कर सकते हैं। इसी तरह आपको सेम आगे की साइड ग्लू लगाना है, फिर ब्रश से जिगजैग के ऊपर फेरना है, फिर से ग्लिटर लगाना है और फिर फिंगर्स के थ्रू टैप करना है। इसी तरह आपको पूरी जो एंड तक लाइन है उसमें सेम प्रोसेस करना है। जब आपका पूरा ग्लिटर लग जाए
तो आपको शीट को टर्न करना है, खड़ा करना है, जिससे कि जो ग्लिटर नहीं चिपका है वो नीचे झड़ जाएगा और आप देख सकेंगे कि कहाँ पर ग्लिटर नहीं लगा है और कहाँ लग चुका है। इस तरह आप अपने फिंगर से भी हल्का हल्का झाड़ सकते हैं जहाँ पर आपको ग्लिटर नहीं चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ग्लिटर डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसे सिंपली इसी तरह ऐसे ही इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर पे, लेकिन हमें थोड़ा सा और डेकोरेटिव करना है इसे। ओम बनाने के लिए सबसे पहले मैं जैसे कि हर वीडियो में बोलती हूँ, आउटलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेंसिल से सबसे पहले आउटलाइन करनी है ओम की। आप गूगल से डायग्राम देख के आउटलाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन कर दी है। आउटलाइन करने के बाद अब आपको कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए मैं ज़्यादातर हर वीडियो में रोलिंग पेन ही इस्तेमाल करती हूँ। आप गोल्डन मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रोलिंग पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं रोलिंग पेन से पहले आउटलाइन कर रही हूँ, फिर इसके अंदर फिलिंग करूँगी। अगर आपको ओम की जगह कुछ और बनाना हो तो आप वो बना सकते हैं। ओम की जगह आपको अगर गॉड कृष्णा बनाना हो आप वो बना सकते हैं, गॉड गणेश बनाना हो आप वो बना सकते हैं। अगर ओम की जगह आपको कोई इस्लामिक कैलीग्राफी लिखनी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वो इस पर लिख कर या फिर बना कर अपनी वॉल पर डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको भी सबसे पहले आउटलाइन करनी है पेंसिल से, फिर रोलिंग पेन से इसकी गोल्डन कलर से आउटलाइन करनी है, फिर उसके अंदर ब्रश के थ्रू उसको फिल करना है गोल्डन कलर से। ये आप देख सकते हैं मेरा पूरा ओम बन चुका है। अब ऊपर देखिए आप, जिगजैग के नीचे मैंने थोड़ा और डेकोरेट किया है। अगर आपको थोड़ा और डेकोरेट करना हो तो आप इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी बनाएं और अपने घर में डेकोरेट करें। अगर आप ये बनाते हैं तो हमें टैग करना मत भूलिएगा फेसबुक चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली सब के साथ शेयर करें और हमें सजेशन दें कमेंट बॉक्स में कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, जिससे कि हम अपनी आगे वाली वीडियो उस टॉपिक पे बना सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।